रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आलू मटर की सब्जी बनाने वाले हैं। आजकल ठंडियों के सीजन में फ्रेश मटर मिलता है, तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले दो बड़े आलू को इस तरह से टुकड़ों में काट के अच्छे से धो के ले लिए हैं। और ये 100 ग्राम मटर है, ये फ्रेश मटर है, ये फ्रीजन मटर नहीं है। और थोड़ा सा मेथी पत्ती को काट के ले लिए हैं। 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और 1.5 चम्मच ले लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता है इसलिए। और ये 3 टमाटर को प्यूरी बना के ले लिए हैं। फिर ये थोड़ा से जीरा और सरसों है लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, थोड़ा से धनिया पत्ती को काट के ले लिए हैं और ये 1 चम्मच गरम मसाला है ले लिए हैं। और इस तरह सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिए हैं। और ये मेथी के साथ में ही 3 हरी मिर्ची को इस तरह से काट के ले लिए हैं, ऑप्शनल है, इसको नहीं डालेंगे फिर भी चल जाता है। इस तरह से देखिए प्याज को बारीक टुकड़ों में काट के ले लिए हैं, एक बड़ा प्याज है ये। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, इसमें थोड़ा सा तेल डालना है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो थोड़ा से सरसों के दाना को इसमें डाल देना है और सरसों को चटकने देते हैं। इसके बाद फिर ये आलू को डालना है। आलू को डाल के धीमी आंच में इसको थोड़ा से भून लेना है इस तरह से। थोड़ा सी इसको ढक के धीमी आंच में पकाना है। आलू को इस तरह 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें ये है मटर है, इसको भी थोड़ा से डालना है। मटर को हमको ज़्यादा नहीं भूनना रहता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको तेल में इस तरह से भून लेते हैं। थोड़ा से ढक देती हूँ, सॉफ्ट होगा। मटर को भी थोड़ा देर भुने हैं, इसके बाद फिर इसको अलग प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। इसके बाद फिर सेम कढ़ाई लिए हैं और इसके में अब ग्रेवी बना लेते हैं सब्जी के लिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा से ज़्यादा तेल डालना पड़ता है, कम से कम ये 3-4 चम्मच तेल डाले हैं। और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें जीरा और सरसों दोनों को डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद फिर प्याज को भी भुनना है इसमें डाल के। प्याज को हमको थोड़ा से ब्राउन होते तक से भुनना है। देखिए प्याज थोड़ा देर भुन गया है तो इसी में हरा मिर्चा को डाल दिए हैं और ये मेथी पत्ता। मैं सब्जी में मेथी पत्ता डालती हूँ, ठंड का मौसम है तो ये ताज़ा मेथी पत्ता मिल रहा है, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। इसके बाद फिर इसी में ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये। इसको भी भून लेना है अच्छी तरह से। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिए हैं तो इसी में ये सूखा मसाला है हल्दी पाउडर, इसको डाल देना है क्योंकि तेज करने से सूखा मसाला है जल जाता है। और ये धनिया पाउडर है, इसको डाल दिए हैं। इसके बाद फिर ये लाल मिर्च का पाउडर है, इसको भी थोड़ा से भून लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच कर दिए हैं। थोड़ा देर भुनने के बाद फिर ये टमाटर का प्यूरी बना लिए थे, इसको डाल देना है। अब गैस के फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देना है।
इसके बाद फिर इसमें नमक डाल देना है। नमक डालने से टमाटर जल्दी पकता है, इसलिए टमाटर डालने के बाद में नमक डालना चाहिए। और इसको थोड़ा से ढक के पकाना है ताकि ये हमारा अच्छा से मसाला भुन जाए। ये देखिए ढक के पकाने के बाद हमारा मसाला बढ़िया भुन गया है। ये देखिए मसाला को अच्छी तरह से भून लिए हैं। मसाला अच्छी तरह से भुनाता है तभी ये किनारे में तेल सेपरेट होता है और सब्जी स्वादिष्ट लगता है। तो मसाला अब हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसमें आलू और मटर दोनों को डाल देती हूँ मैं, और इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद ये टमाटर पीसे थे उसी में पानी डाल के इसमें पानी डालना है। हम इसको रसा वाला सब्जी बना रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी डाल रहे हैं। आलू मटर की रसेदार सब्जी बना रहे हैं, और इसके बाद फिर इसमें गरम मसाला को भी डाल देना है और इसको ढक के पका लेते हैं थोड़ा। ये देखिए सब्जी हमारा बन गया है थोड़ा देर पकाने के बाद, और इसका आलू भी पक गया है। थोड़ा देख लेते हैं, आलू को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कच्चा आलू था तो इसको थोड़ा इस तरह से दबा के देखिए पक गया है। ये हमको इसको इसी तरह से थोड़ा रसा वाला रखना है, क्योंकि इसको हम ग्रेवी वाला सब्जी बनाए हैं, सूखा सब्जी नहीं बनाए हैं इसका। और इसके बाद फिर इसमें हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब सब्जी बन के तैयार हो गया है, इसको इस तरह से सर्व कर लेते हैं। इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है, और घर में एकदम आसानी से बन जाता है। आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी है, मैं सिंपल तरीके से बनाई हूँ, इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो गया है, घर में इसको आसानी से बना लेते हैं, रेस्टोरेंट जैसे बन जाता है ये। और बिल्कुल कम मसाला से बनाई हूँ मैं सिंपल तरीके से, तो इस तरह से भी बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको चावल के साथ और रोटी के साथ पूड़ी के साथ खाया जाता है। आप भी इस तरह से बना के खाएं, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।